NTAUGCNET यानी डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्लास 10 में टाइप ऑफ रेफरेंसिंग एंड स्टाइल इन रिसर्च। देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग जगह से रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं, अपने रिसर्च के लिए अलग अलग तथ्य लेने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है। तो कोई चीज़ हमने कहाँ से उठाई है, कोई फोटोग्राफ कहाँ से लिया है, कोई पैराग्राफ कहाँ से लिया है, तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो रेफरेंस हम किस स्टाइल में देंगे, उसका क्या तरीका होगा, उसी को हम बोलते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल। तो इसमें मुख्य रूप से तीन स्टाइल है हमारे, AP स्टाइल, MLA स्टाइल और शिकागो स्टाइल। इन तीनों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। वैसे तो देखिए इसमें बहुत से स्टाइल है, अनगिनत स्टाइल है, बट वो सभी स्टाइल हम नहीं करेंगे। इसमें उन्हीं स्टाइल पे हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि पहले हम इससे रिलेटेड थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि तीन स्टाइल होते हैं, AP स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं AP स्टाइल की। तो इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि APA स्टाइल की फुल फॉर्म क्या है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा ये विकसित किया गया है ये स्टाइल। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इसको 1929 में विकसित किया गया था और ये मुख्य रूप से सोशल साइंस का जो एरिया है उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये स्टाइल। बिजनेस, क्रिमिनल जस्टिस और इकोनॉमिक एंड लॉ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्टाइल में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस स्टाइल में जैसे हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन लिए कहीं से, महात्मा गांधी के कोई विचार किसी बुक से उठाए हैं हमने, तो उस बुक का हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, भाई इस बुक के राइटर कौन है, इस बुक को किसने पब्लिश किया है, ये बुक कब पब्लिश हुई थी और इस बुक का टाइटल क्या है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है उसके अंदर। तो उसका जो AP स्टाइल है, AP स्टाइल में क्या होता है, सबसे पहले हम लास्ट नाम लिखते हैं, उसके बाद में फर्स्ट नेम लिखते हैं। जैसे हम मान के चले राजेश कुमार है कोई व्यक्ति, राजेश कुमार है, उसने कोई बुक लिखी है, राजेश कुमार ने, ठीक है, राजेश कुमार, तो उसने बुक लिखी है राजेश कुमार ने, इफेक्ट ऑफ TV, और कहाँ पे लिखी है, रोहतक के अंदर लिखी है और अजंता पब्लिकेशन द्वारा उसको पब्लिश किया गया है, 2015 में ये बुक लिखी है। तो इसको हम किस तरह से रेफरेंस देंगे इसका, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका लास्ट नेम आएगा, लास्ट नेम क्या है, कुमार है इसका, तो सबसे पहले हम कुमार लिख दिया। फिर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का भी जो एक लेटर है वो ही हम इसमें लिखेंगे, तो इसमें आ गया राजेश, यानी कि कुमार राजेश का R आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पे इसमें फुल डॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे। अब ये जो कुम्भ है, फुल स्टॉप है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम में ये डॉट नहीं लगाएंगे, इस डॉट को आप भूल जाएंगे, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में,
ये क्या होगा। इसमें सबसे पहले लास्ट नेम आएगा, उसके बाद में कुम आएगा, उसके बाद में फर्स्ट नेम आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर ईयर देंगे किस ईयर को वो पब्लिश हुई है बुक, उसके बाद में फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर बुक ऑफ द टाइटल, बुक का टाइटल आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद में पैलेस आएगा, पैलेस के बाद में इस तरह से डबल डॉट आएंगे ये, और उसके बाद में पब्लिकेशन और फिर फुल स्टॉप आएगा। तो इन फुल स्टॉप का और कुम्मा का आपको ध्यान रखना जरूरी है कहाँ कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रेफरेंस में तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखिए ये मैंने बताया था आपको कि राजेश कुमार ने एक बुक लिखी है इफेक्ट ऑफ टीवी, रोहतक के अंदर लिखी है और अजंता पब्लिकेशन द्वारा लिखी गई थी, सॉरी पब्लिश की गई थी 2015 में। तो इसको कुमार राजेश का आर आ गया और ये देखिए कुमार के बाद हमने यहाँ पे कुम्मा दिया है और आर के बाद यहाँ पे हमने फुल स्टॉप दिया है। उसके बाद जो ईयर है ईयर को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2015 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए उसके बाद में फिर फुल स्टॉप है, फिर इफेक्ट ऑफ टीवी बुक का टाइटल आ गया ये हमारा, उसके बाद में फुल स्टॉप, फिर पैलेस कहाँ पे ये पब्लिश हुई है रोहतक में पब्लिश हुई है तो ये लिख दिया, फिर डबल डॉट आ गई है हमारे पास इस तरह से, उसके बाद में जो पब्लिकेशन है पब्लिकेशन का नाम दे दिया अजंता पब्लिकेशन और ये यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया जी। तो अभी हम इस पर्टिकुलर इस स्टाइल से देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पहले आया हुआ है और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 2012 में आया हुआ और बाद में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें देखिए आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। अभी ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन एपी स्टाइल के अनुसार है वो हमें बताना है। अब आप इसमें सभी में देखेंगे शर्मावी 2010, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, टाटा मैग्रो हिल, सभी में सारी चीज़ें इक्वल दी हुई है, सभी में बराबर दिया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज़ मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है 2010 ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं इन दोनों में। अब देखिए ए और डी में दोनों में ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस ये भी बराबर है, ये देखो ये दोनों बराबर है, नई दिल्ली ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, अलग क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में क्या चीज़ अलग है। यहाँ पे देखिए 2010 यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है और यहाँ पे कुम्मा दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुम्मा दिया हुआ है और यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो इसमें राइट कौन सा होगा, कौन सा सही होगा दोस्तों। अब हमने ऊपर पढ़ा था ये देखिए इसके अंदर लास्ट नेम के बाद में हमारा कुम्मा आएगा इस तरह से कुम्मा, तो ये कुम्मा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ये बात सही है। उसके बाद में फर्स्ट नेम के बाद में ये डॉट है, डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, ये बात भी सही है। फिर ईयर ब्रैकेट में ईयर और उसके बाद में फुल स्टॉप है, तो ये यहाँ पे ये है। तो अब ये देखिए ये जो है हमारा ऑप्शन ए ये सभी में बिल्कुल सही है, सभी कंडीशन पूरी कर रहा है, हर एक डॉट और हर एक कॉमे को ये सही तरह से जस्टिफाई कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर के बाद में फुल स्टॉप आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने कुम्मा लगाया हुआ है, इस तरह से ये इस वजह से ये गलत हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया हुआ है और ऊपर हिंदी में दिया हुआ था, इसको भी आप देख सकते हैं देखना चाहे तो। और उसके बाद में ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कि एपीए शैली के संदर्भ में कौन कौन सी मूल बातें है, कौन सी बातें सही है एपी स्टाइल के बारे में वो हमें बताना है। अब देखिए इसके अंदर बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, बी सी डी, बी सी डी इन्वर्ट ऑथर्स नेम, लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में, ये चीज़ हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। और फिर है सी इटैलिक साइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क एज एज बुक एंड जर्नल। अब देखिए कोई बुक का नाम है, कोई जर्नल है, तो उसको हम इटैलिक करके भी लिख सकते हैं, टेढ़ा करके लिख सकते हैं, जर्नल का नाम है तो कोई, तो उसको हम इटैलिक लिख सकते हैं। उसके बाद में डी है अल्फाबेटिकली इंडेक्स्ड रेफरेंस लिस्ट। अब अल्फाबेटिकली करेंगे हम, जैसे मान के चलिए किसी हमने 20 जगह से रेफरेंस लिए हैं अलग अलग जगह से, तो हो सकता है कोई सुरेश नाम का आदमी है, कोई सुनील है, कोई विनोद है, कोई कुछ है, तो उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ए नाम से ऑथर जो है उनको पहले, फिर बी से, फिर सी से, डी से, इस तरह से अल्फाबेटिकली उनको हम ऑर्डर करेंगे। तो एक इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
और ये देखो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, अगर कहीं पे बुक को साइट करना हो तो वहाँ पे बुक टाइटल इटैलिक यानी तिरछा करके लिखा जाएगा, अगर केवल आर्टिकल हो, आर्टिकल हो तो वहाँ पे हम उसको तिरछा करके नहीं लिखेंगे, उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, उसको इटैलिक नहीं लिखेंगे। अगर बुक और जर्नल का नेम दिया हुआ है तो उसको हम इटैलिक करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है ना, ये देखिए बुक टाइटल, यहाँ पे बुक का टाइटल और या फिर जर्नल है तो उसको इटैलिक करके लिखेंगे, और अगर वैसे ही कोई आर्टिकल है तो उसको नॉर्मल भाषा में लिखेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों अगला है हमारा एमएलए स्टाइल है। एमएलए स्टाइल के अंदर क्या होता है, इट्स पब्लिश बाय मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एमएलए की फुल फॉर्म है, और ये आया था 1985 को आया था अमेरिका में, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूज़ इन ह्यूमैनिटीज एंड लिटरेचर के अंदर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका स्टाइल क्या है वो हम देखते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसके बाद फुल स्टॉप, ये चीज़ तो हमारी वही है जैसे उसमें थी, लास्ट नेम पहले था, फर्स्ट नेम बाद में था, यहाँ पे कुम्मा था। अब देखिए बुक नेम यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, और पैलेस दिया हुआ है, पब्लिकेशन ईयर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, जो ईयर है, ईयर आप देख सकते हैं, ईयर इसको सबसे लास्ट में लिख दिया, और उसमें क्या था, ईयर फर्स्ट नेम के बाद में था और ब्रैकेट के अंदर ईयर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये देखिए, कुमार, राजेश, इफेक्ट ऑफ टीवी, रोहतक, अजंता पब्लिकेशन, और ये देखिए ईयर सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 2015। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, और इसका एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ कि एमएलए फॉर्मेट के अनुसार कौन सी चीज़ है वो हमें बतानी है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, अब देखने में तो सभी के सभी एक जैसे लग रहे हैं, और यहाँ पे ये देख ली, इंग्लिश का देखिए आप, इंग्लिश का देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए कुम, आप एक चीज़ देखिए, कुम्मा कहाँ पे लगाया हुआ है, कुम्मा एक तो लास्ट नेम के बाद में यहाँ पे कुम्मा, इसका मैं कलर अलग कर लेता हूँ, कुम्मा एक तो ये देखिए लास्ट नेम के बाद में है और एक पब्लिकेशन के बाद में, दो जगह पे कुम्मा इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए पहले में कुम्मा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है, नंबर एक पे है, यहाँ पे है, दो और तीन, तीन जगह पे कोमा का इस्तेमाल किया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है, और यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा, चार जगह पे कोमा का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोमा है और यहाँ पे कोमा है और यहाँ पे कोमा, तीन जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया कोमा का, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, दो ही जगह पे कोमा का इस्तेमाल किया गया है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉट न्यू दिल्ली, और फिर डबल डॉट एंटिस हॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोमा, ये देखो कोमा यहाँ पे है और यहाँ पे, केवल दो जगह पे इसमें इस्तेमाल किया गया है कोमा, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन करने और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, अब आता है हमारा लास्ट में, ये दो स्टाइल है लगभग, इन्हीं से एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल, इनसे हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। यहाँ पे एक बार फिर से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इनका डिफरेंस देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए ये एमएलए स्टाइल है, ये एपीए स्टाइल है। अब देखिए एमएलए स्टाइल में लास्ट नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फर्स्ट नेम सेम है दोनों में, फिर इसमें ईयर यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, जब यहाँ पे बुक नेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इनमें क्या हुआ कि जो ये ईयर है, ये ईयर यहाँ पे लास्ट में आ गया यहाँ पे, और ब्रैकेट हट गया और लास्ट में इसके ईयर को दे दिया, तो ये इसके अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सही है इसके अंदर। और उसके बाद में अगर हम शिकागो स्टाइल के बारे में हम बात करें तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम ये हो गया, बुक नेम इटैलिक करेंगे हम, पैलेस, पब्लिकेशन और ईयर, तो ये इसका है दोस्तों शिकागो स्टाइल का। बट इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, फिर भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और ये कुछ अदर स्टाइल है दोस्तों, ये देखिए ए सी एस स्टाइल, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, ए आई पी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, तो ये भी हमारे रेफरेंसिंग स्टाइल है, बट ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और अभी जो स्टाइल चल रहा है ए पी ए
7.0 स्टाइल चल रहा है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, बस इसी का अपडेटेड वर्जन है वो एपीए स्टाइल का, बट उसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल। अब ये देखिए, ये कहता है कि जो फॉर्मेट और स्टाइल होता है रिसर्च पेपर राइटिंग का, यानी कि रिसर्च आर्टिकल राइटिंग का और थीसिस राइटिंग का, दोनों सेम होता है जी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर होता है। थीसिस हम बड़े अच्छे लेवल से लिखते हैं, उसके अंदर कोई गलती की संभावना हम नहीं रखते, तो इसका थोड़ा सा मतलब जो डिफरेंस है वो होता है। रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्चर। अब देखिए, रिसर्च एथिक्स जो है वो सभी के लिए जरूरी है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू जी। तो ये है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसिंग स्टाइल इज यूज फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बिजनेस हिस्ट्री एंड आर्ट। अब देखिए, बिजनेस हिस्ट्री और आर्ट के लिए कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल का यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया दोस्तों। तो हम पढ़ के आए थे ना एपीए स्टाइल, एपीए स्टाइल पढ़ा था हमने, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा हमारा, ये देखिए बिजनेस के लिए और सोशल साइंस के लिए हम एपी स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए दोस्तों, एड फ्री वीडियो चाहिए, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना, उसके अंदर आपको हमारा पेड कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने 2012 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए उनके यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग किए हुए हैं, उससे आप अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।